सर बहुत इतना दिक्कत भइल सर कि का कही हम कि हुनकरा एक दिन घरे मांग के खाइनी तो हुनकरा घरे तो हुनकरा घरे ऐसे ही लॉकडाउन में जियनी ये घड़ी ट्रेन चलता तो तनी मांग सर कहाँ फैक्ट्री है कंपनी कहाँ है वहाँ तो कंपनी है कंपनी में करता हूँ यहाँ कंपनी कहाँ है 8 महीना हो गए बैठे बैठे घर में जाकर देखिए मेरा क्या हाल है मजबूरी में जा रहा हूँ पर्व त्यौहार में घर पर लोग आते हैं बाहर से जाते नहीं है लेकिन मजदूरी में जाना खोजला पर मजदूरी नहीं मिल रहा है भोजपुरी में बोली नहीं भोजपुरिया चैनल है ये मजदूरी खोजला पर मजदूरियो नहीं के मिलत रिक्शा चलाओ तो यहाँ तो सवारी नहीं के मिल तो क्या करी जाए कोई के गर्दन ना कटल जी डेली काम करे जाते यहाँ काम मिली खोजल जी तो फिर बॉक्सर आई नमस्कार हम मनी अमरजीत कुमार गिरी रउआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा अभी भोजपुरिया झकोरा का टीम पहुंचल बा बॉक्सर जंक्शन पर बानी सन हम देख सकते नहीं रउआ कैमरा मैन सन चाहे दिखावे खातिर कि हाई बॉक्सर बा और बॉक्सर स्टेशन पर पहुंचल बानी सन और सवाल उए बा कि लगातार पलायन के जौन समस्या बा लगातार अभी हो रहा बा बिहार से लगातार लोग बाहर कुछ कर रहा बा रोजी रोटी के इंतजाम में कुछ कमाए खातिर लगातार लोग दिल्ली कलकत्ता मुंबई महाराष्ट्र लोग जा रहा बा और सबे जौन बा कि अपन प्रदेश अपन जगह छोड़ के सब पलायन कर रहा बा कि आर्थिक समस्या है COVID-19 में जो है इतनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि चुनाव से बढ़ता क्रम जो है अपने जनजीवन को कैसे यापन किया जाए इसकी चिंता जो है पब्लिक को ज़्यादा समा गई है जी क्या कहते हैं रुआ सर हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से गरीब आदमी 8 महीने का जमाना हो गया लॉकडाउन का सर बताइए अच्छा कहीं जाता नहीं रुआ ना सर ट्रेन में मांगते खाते हैं सर हम लोग अच्छा ट्रेन में मांगते खाते हैं जी सर तो लॉकडाउन में तोरवाल उनके काफी दिक्कत हो गई ट्रेन बंद हो गई सर बहुत इतना दिक्कत भइल सर कि का कही हम कि हुनकरा एक दिन घरे मांग के खाइनी तो हुनकरा घरे ऐसे ही लॉकडाउन में जियनी ये घड़ी ट्रेन चलता तो तनी मांग तनी खाते सर बढ़िया सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं मिल रहा दिव्यांग बनी हैंडीकैप बनी मिलेगा सर 400 रुपया महीना 400 रुपया महीना से तो कुछ ना हो पावत हो ना सर कुछ ना हो पावेला सर तो लॉकडाउन में जहाँ ट्रेन बंद हो गए और वो लोग मांग के खात रही हो तो उस समय में सरकार के तरफ से वो उनके व्यवस्था ना कर गए ना सर वे 400 महीना में मिलत रहा बस देख सकता नहीं कि कितना दर्दनाक स्थिति बा का नाम पड़ी रहो मोहम्मद शहांगीर आलम यहाँ के मोहम्मद शहांगीर आलम बानी और बक्सर स्टेशन पर यहाँ के रहनी और जौन भी ट्रेन आवेली सन जाली सन में यहाँ के मांग के कुछ पैसा अपन गुजारा बसर करत रहनी है लेकिन लॉकडाउन के वजह से जहाँ ट्रेन बंद हो गए रहा उमें यहाँ के काफी दिक्कत भेल बा खाए पिए के 8 महीना 7 महीना दिक्कत भेल बा 7 महीना अब ट्रेन चलते रही सन अब ट्रेन चलत रही सन तो 2 पैसा आवत जाता सर अब तो दिक्कत नहीं के जी स्थानीय लोग से मदद ना मिल पात रहा उनके ना सर स्थानीय विधायक हो गए स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग के तरफ से मदद नहीं के पहुँच ना सर मांग करम सर कि कोनो काम धंधा मिले परमानेंट के कि 2 पैसे कमाई जाए खाई जाए कोनो काम धंधा मिलो जौन यहाँ सबे कर सकी सरकार से यहाँ के आग्रह करता नहीं कि जाना वजह से हमने के मिले और हमने के काम करके अपना परिवार के अपना खुद के भोजन के व्यवस्था कर देख सकता नहीं कि जौन पलायन के स्थिति बा लगातार भोजपुरिया झकोरा दिखा रहा बा कि पलायन जौन बा लगातार बिहार से हो रहा बा लगातार अपन अपन घर द्वार छोड़ के लोग बाहर जा रहा बा 2 वक्त के रोटी कमाए खातिर चाचा हमारा संग रनिया बतौनी है कि अब लोग के चिंता नहीं के कि वोट के चिंता नहीं के चुनाव के चिंता नहीं के सरकार बनावे बिगाड़े के चिंता नहीं के बस चिंता बात 2 वक्त के रोटी कमाए के हमने के घरे जाते नहीं सर घरे कहाँ से एलवानी हमने लखनऊ से अच्छा लखनऊ से नहीं हो तो लखनऊ का कर रही हो कमाई कर रही हो कमाई कर रही हो घर कहाँ बराबर एक मथाना अच्छा एक मम बा मतलब कि सारण में पड़ला छपरा में तो काहे बाहर काहे कमाई खाते जाते हैं उनका ए जी व्यवस्था नहीं है यहाँ तो व्यवस्था है ले नहीं है काम मिलते नहीं है तो का करी सर गरीब के का दुख दिक्कत कोई ले बनाएं दिक्कत ना घर बा ना दुआर बा दुखद का कोई लेवल हो कुछ नहीं खेल कोई कुछ नहीं के भइल ना घर बा ना दुआर बा वर्कशॉप है तो वहीं पे अपना रोजी रोटी चलावनी अच्छा वर्कशॉप पूजी का है डलनी पुणे में अपना क्या कहना डलनी अपने यहाँ उतना आपका मिलता है क्या पैसा उतना अच्छा उतना पैसा नहीं मिलता है काम भी नहीं मिलता है पैसा भी नहीं मिलता है जो बाकी लगे तो उधार भी नहीं मिलता है इसलिए आप वहाँ पर काम कर रहे हैं अच्छा सरकार की तरफ से कितना व्यवस्था बल रोजी रोटी कमाई खातिर कल कारखाना के फैक्ट्री के कितना देखा कहाँ है अभी पी बिहार में क्या हुआ है कल कारखाना रहता तो कोई यहाँ से कोई बाहर जाता का
महाराष्ट्र में जाता है, चाहे पुणे उधर जाता, क्यों जाता? यहाँ वो धंधा अगर यहाँ पर रहता तो यहाँ से बाहर कोई जाता थोड़े नहीं। मोदी जी तो बोले थे कि यूपी में और बिहार में कंपनियाँ बैठाएंगे, कहाँ कंपनी बैठाए हैं? यहाँ के लोग उधर जाकर के काम अपना कर रहा है, अगर वही काम यहाँ पर मिलता तो बाहर क्यों जाता आदमी? सही बात बा, सही का नाम पड़ी राहुल? विनोद शर्मा बानी कहते नहीं कि अगर हमने के एजी व्यवस्था रहित काम के तो हमने के एजी दो पैसा कमेती सन, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो वादा कैलस जॉब के, सरकार जो वादा कैलस कल कारखाना नौकरी देवे के वो कहीं ना कहीं सफल ना भइल, जमना के वजह से लोग लगातार जौन बा अपन प्रदेश अपन जगह छोड़ के बाहर जाता कमाए खातिर, और व्यवस्था जौन बा काफ़ी खराब हो रहा बा, स्थिति जौन बा दयनीय बावे, कुछ लोग बा देख सकता नहीं कि पलायन के स्थिति जौन बा लगातार अभी चुनाव होके वाला बा बिहार में, और हमनी के बानी सन बक्सर में देख सकता नहीं कि पलायन के जौन स्थिति बा लगातार लोग पलायन कर रहा बा अपन घर द्वार छोड़ के, चुनाव के चिंता नहीं के बस चिंता बाकी हमनी के दो वक्त के रोटी कैसे कमाई सन। अरे कोनो कल कारखाना नहीं के तो वही न कल कारखाना बा तो इज्जत मिल जाता है, जहाँ कल कारखाना बा वही जाता नहीं तो क्या एजी सरकार नहीं कल कारखाना की व्यवस्था करा सकत? कुछ नहीं करा पावत, इज्जत कुछ नहीं करा पावत, कोनो बड़ बड़ बिजनेस में ना आता तो डकैते तैयार हो जाता सब पहले ही, कैमरा का दवा तब भैया कारखाना कर रहे, पुल बना था तो बड़का बड़का नेता लोग पहुँच जाते रहे कैमरा का दवा पहले रंगदारी मांगे खाते। हाँ तब क्या हुआ तैयार काम कर के आते नहीं थे। सही बात, क्या नाम पड़ी राहुल? हमारा नाम तिलकधारी यादव। बानी कहते नहीं कि बड़ा बड़ा काम अगर कंपनी आवत भी बा काम करे खातिर, ये फैक्ट्री कारखाना लगावे खातिर, तो बड़ा बड़ा रंगदार लोग नेता लोग पहुंच जाता अपन घूस मांगे खातिर कि हमरा के पहले घूस देता, फिर बड़ा बड़ा कंपनी कैसे आई, कैसे अपन कल कारखाना लगाई, कैसे लोग के जॉब दी? लगातार जोन बा पलायन के प्रक्रिया पलायन कर रहा बा लोग, हमें धाम नहीं खे तो करी का आदमी, जब यहाँ पे काम नहीं है तो इंसान करेगा क्या? अच्छा सरकार अगर चाहले रहे तो फैक्ट्री कारखाना के व्यवस्था कर दिले रहे, का सरकार चाहत नहीं थे? सरकार का मंशा क्या है ये हम लोग के समझ से बाहर है, अभी वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ जगह का कमी नहीं है, कितना बार ऑफर आया, बेटा उटा में लगा देता कंपनी, नहीं लगा पाए। कहाँ जाता नुआ? मथुरा। कहाँ घर बराबर? सोमा। सोमा कामना जिला में पड़ी? बक्सर जिला। अच्छा बक्सर जिला, रोरा बिहार से बनी, तो वहाँ कौन काम करेली? पेंटिंग के काम करेली। तो पेंटिंग के काम ओजी का है, अपना क्या का है ना? ये काम नहीं है सर, कहाँ फैक्ट्री है, कंपनी कहाँ है? वहाँ तो कंपनी है, कंपनी में करता हूँ, यहाँ कंपनी कहाँ है? 8 महीना हो गया बैठे बैठे, घर में जाकर देखिए मेरा क्या हाल है, मेरे घर में क्या हाल है जाके देखिए, मजबूरी में जा रहा हूँ, पर्व त्यौहार में घर पर लोग आते हैं बाहर से, जाते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ रहा है। दिल्ली जाता नहीं, कहे अपन जगह छोड़ के, अपन धरती छोड़ के, अपन माटी छोड़ के कहे दिल्ली जाता नहीं? ये जब मजदूरी खोजला पर मजदूरी नहीं मिल रहा है, भोजपुरी में बोली नहीं, भोजपुरिया चैनल है। ये जब मजदूरी खोजला पर मजदूरियो नहीं के मिलत, रिक्शा चलाती है तो सवारी भी नहीं के मिल, तो क्या करी जाए? कोई के गर्दन ना कटल जी, डेली काम करे जाते हैं, काम मिली खोजल जी ना, तो फिर बक्सर आई के पड़ी लौट के, बस ये हमर रहे। अच्छा काम के तलाश में जाता नहीं, और काम ना मिली तो फिर वापस लौट के आओ के पड़ी? फिर वापस आई के बाद। तो पहले रिक्शा चलाओ तो नहीं, तो सवारी वारी लोग आओ तो रिक्शा ले? जब से लॉकडाउन लागल बाद से सवारी ही नहीं खे मिला, खैले भी ना कोई मुही, बिहार में कुछ बा ना कंपनी बा ना खाए के जगह बा, बस इतने बा। देख सकता नहीं यहाँ के युवा बानी, और यहाँ के मन में दुख बा कि हम रिक्शा चलावत रहनी हो और सवारी लोग आवत रहल तो हमनी के लेके जाते नहीं सर, लेकिन लॉकडाउन के वजह से कमर टूट गई बा, लॉकडाउन के वजह से जहाँ सवारी लोग नहीं और ट्रेन के परिचालन भी बहुत कम हो गई बा, जमना के वजह से यहाँ के दिल्ली जाता नहीं, और दिल्ली में कहता नहीं कि जाएम काम खोजे मिली तो करम ना, तो फिर लौट के हमरा फिर बक्सर आवे के पड़ी। देख सकता नहीं कि कितना दर्दनाक और दयनीय स्थिति बावे, और बिहार में जहाँ विकास के ढोलक पिटाता, बिहार में जहाँ विकास के डंका पिटाता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छाती पिटाता नहीं विकास के लेके, हमने के विकास को ले बने चनहू में एगो युवा बानी, और जौन देश के भविष्य होला युवा होला, और युवा के कहीं ना कहीं आँख में आंसू बा, और यहाँ के स्थिति जौन बा दयनीय बा, कहते कि का करी सन, भूखे मरी सन, केकर गर्दन काटी सन, कोनो व्यवस्था नहीं किए जी, कोनो कल कारखाना नहीं किए, कोनो नौकरी की व्यवस्था नहीं किए, हमने के का करी सन, कहाँ जाई सन, केकर गर्दन काटी सन, लगातार जौन व्यवस्था बा दयनीय बा, और कहीं ना कहीं चिंता के विषय बा कि एगो 18 साल 20 साल के युवा के आँख में जब आंसू बा, जब युवा नौकरी के तलाश में दिल्ली जाता और
मालूम ही नहीं के कि हमारा नौकरी मिली कि ना मिली, हमारा काम मिली कि ना मिली, वो जी फैक्ट्री कारखाना चलत कि नहीं के चलत, और कहीं ना चलत हो काम ना मिली तो फिर हमारा लौट के बक्सर आवे के पड़ी। हम रनिया अमरजीत कुमार गिरी बक्सर जंक्शन से, कैमरामैन अश्विनी कुमार गिरी के साथ, धन्यवाद।